बीजेपी शासित राज्यों में पेट्रोल डीजल के दामों में कमी क्या हुई, तो अब कांग्रेस शासित राज्यों के ऊपर भी टैक्स कम करने का दबाव बन रहा है। बीजेपी ने इसे लेकर प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है, खासतौर पर छत्तीसगढ़ में, जहां वेट में कमी की मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा ने प्रदेश भर में प्रदर्शन किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा की मांग है कि जिस तरीके से केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी कम की, उसी तरह से छत्तीसगढ़ में सरकार वेट कम करे, और इस मांग को लेकर बीजेपी ने जगह जगह प्रदर्शन किया। बीजेपी के प्रदर्शन का जायजा लिया हमारे संवाददाता मोहन तिवारी ने। पेट्रोल डीजल के दामों में राहत की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता इस बात को लेकर छत्तीसगढ़ में प्रदर्शन कर रहे हैं कि राज्य सरकार बाकी राज्यों की तरह यहां पर भी वेट कम करे। और इसी मांग को लेकर भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता और उनके हाथों में ये जो पोटली है जिसमें वेट लिखा हुआ है, जिसमें वो लोगों से पर्चियां डलवा रहे हैं और एक मांग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि राज्य सरकार एक राहत दे, जिस तरीके से केंद्र ने भी राहत दी है। बताइए आप लोग क्या मांग कर रहे हैं और ये पोटली में क्या? जैसे कि केंद्र की मोदी जी की सरकार ने दीपावली के अवसर पर मूल्य की कटौती करते हुए 5 और 10 रुपया पूरे प्रदेश और देश की जनता के लिए राहत प्रदान की, 10 भाजपा के शासित राज्यों ने भी अपने प्रदेश की जनता की चिंता करते हुए उन्होंने अपने वेट के दाम घटाए, 6 NDA शासित राज्यों ने भी अपने वेट के दाम घटाए, मगर छत्तीसगढ़ प्रदेश की इस भूपेश बघेल की कांग्रेस की सरकार जो है छत्तीसगढ़ की जनता की हितैषी नहीं है। इन्होंने अपने आप में मात्र जो 25% प्लस 1 रुपये का जो वेट छत्तीसगढ़ की जनता के जेब में लगा के रखा है, वो अपने आप में पूरे भारत के जितने भी राज्य उसमें सबसे ज़्यादा अत्यधिक है। तो हमारी यही मांग है कि अगर छत्तीसगढ़ की सरकार संवेदनशील है अपने जनता के प्रति, छत्तीसगढ़ की जनता के प्रति, तो तत्काल रूप से जो वैट के रूप में 25% जो वैट लगा रही है छत्तीसगढ़ की सरकार, उसमें राहत दे। पेट्रोल डीजल के जिस मूल्य वृद्धि का मुद्दा अब तक कांग्रेस के हाथ में था, वो छत्तीसगढ़ में पलट कर बीजेपी के हाथ में आ गया है, और टैक्स की कमी की मांग को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन बीजेपी पूरे प्रदेश भर में करती नजर आ रही है। कैमरामैन अखिलेश पवार के साथ मोहन तिवारी, बंसल न्यूज रायपुर।